तो फिलहाल दोस्तों अब हम लोग पहुंचने वाले हैं नवरत्नगढ़। यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर होगा और अब देखिए हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं नवरत्नगढ़। यहाँ से 0.5 किलोमीटर की दूरी में स्थित है नवरत्नगढ़, नागवंशी राजाओं के किले का क्या लिखा। हाँ तो चलिए अब हम लोग पहुँच ही गए हैं। हल्का सा इधर रास्ता ख़राब है, ऑफ रोडिंग भी हल्का हो जा रहा है। और देखिए सामने से वहाँ दिखने शुरू हो गया, आप सीधे देख सकते हैं, ऐसा कैमरा में नहीं दिखेगा लेकिन यहाँ से बहुत ही भव्य दिख रहा है, बहुत ही मस्त, पूरा पुराने ज़माने वाला बहुत ही मस्त लग रहा है। जैसा भाई लोग यहाँ लोग सबको आगे बढ़ते हुए बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोगों को भी नवरत्न का धरोहर को दिखाएंगे, नवरत्न का किला को दिखाएंगे जो कि नागवंशी राजा के द्वारा बनवाया गया था। हम लोग पहुँच चुके हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं नवरत्नगढ़ का किला, नागवंशी राजा महाराज का किला हम लोग पहुँच चुके हैं। ये यहाँ का दरवाज़ा है और हम लोग चलिए अब हम लोग यहाँ से प्रवेश करते हैं। ये रहा एक नंबर बाबा, बहुत ही मस्त लग रहा है का, इसको बोलते हैं, देख रहा है इतना बड़ा पूरा मस्त का। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं नवरत्नगढ़, ये सिसई प्रखंड में स्थित है और इधर रेडी गोडो थोड़ा सा फ्रेश होके बढ़ते हुए, बहुत बुरा रास्ता खराब है झारखंड का, थोड़ा ध्यान दे क्या, और गुमला का रास्ता थोड़ा सा ठीक कीजिए। हाँ और चलिए सबसे पहले अपने दोस्तों से मिलाते हैं आप सभी को। इधर भाई वा बैठा हुआ है, थोड़ा सा थक गया लग रहा है, और इधर पुनीत पूरा फ्रेश होके आया है अभी, इधर जीवन भाई, इधर रोहित, इधर जॉनसन, सबको यहाँ बैठा हुआ है। राजा तो घूमने आया है कि बैठने आया है ये बता दो। थक गया है, थक गया। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि प्रकृति की गोद में समाया हुआ हमारा राज्य झारखंड सुंदरता के साथ साथ, प्रकृति के साथ साथ और भी बहुत सारे राज को अपने ऊपर समेटे हुए है। तो यही चीज आप सभी को मैं यहाँ पे दिखाने के लिए लेके आया हूँ। और ये नवरत्नगढ़ किला है, सामने भी है, इस प्रकार से है। और आप देखिए इस किला का स्ट्रक्चर बहुत ही मस्त है, बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं पत्थरों में ये खोदकर आकृतियां बनाई गई हैं, इस प्रकार से है, बहुत ही सुंदर है। और यह भीतर का नज़ारा देखते हैं चलिए किस प्रकार से है। ये भीतर आप देखेंगे तो इस प्रकार से है और यहाँ से सूरज की रोशनी भी आ रही है। और इधर एडीगोडो भी पूरा ब्लॉगिंग करते हुए बहुत सुंदर पूरा सुंदरता को दिखाते हुए लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, देखिए आप सभी को भी यहाँ दिखाते हैं क्या लिखा है भाई। अगर कोई समझ सकता है तो कृपया ट्रांसलेट करके बताइए। अच्छा देखना यहाँ पे ईस्वी लिखल है, कहाँ यहाँ पे ईस्वी लिखल है, देख तो यहाँ पे कुछ ईस्वी लिखा हुआ है, शायद अगर कोई बता सकते हैं तो जरूर बताइए। फिर इस प्रकार से यहाँ का नजारा है नवरत्नगढ़ का किला, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। और मेरे ख्याल से ये जो स्थान है, ये जो भी प्रोग्राम हुआ करते थे होंगे, जो भी कार्यक्रम या फिर जो भी लड़ाई के बारे में जो भी यहाँ पे से, मेरे ख्याल से यहाँ पे है, यहाँ पे चढ़कर शायद राजा या सेनापति जो भी हैं ये शायद यहाँ से ऑर्डर दिया करते थे। ये इस प्रकार का नज़ारा यहाँ से दिखता है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्लेस है, गैप स्थान है, जिस कारण से मेरे ख्याल से यही लग रहा है कि यहीं से राजा अपना हर एक आदेश पूरी जनता को, पूरे सैनिकों को दिया करते थे। तो हम लोग राज दरबार का नज़ारा देख लिए, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा चलिए आप सभी को दिखाते हैं। आप देखिए इस प्रकार से सब खंडर हो गया है, जर्जर हो गया है। और इधर देखिए ये इस प्रकार से है, यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह रखा जाता था शायद, ये बहुत ही समय पहले बनाया गया है 15वीं-16वीं शताब्दी में, जिस कारण से ये इस प्रकार से नजर आ रहा है, लेकिन ये अभी भी टिका हुआ है। ये देखिएगा ये बहुत ही ऊंचा किला है, यह किला 1571 में नागवंशी राजा के 45वें राजा महाराज दुर्जनसाल ने इस किले का निर्माण कराया था।
और कहा जाता है कि यह जो किला है ये 9 मंजिला था, जिस कारण से इसका नाम नवरत्नगढ़ रखा गया है। वहीं इस किले की बनावट में आज की इंजीनियर भी बहुत ही हैरान है, क्योंकि कोई भी बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए पिलर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं भी पिलर नज़र ही नहीं आएगा। मैं आप सभी को इस किले का भीतर से नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा खतरनाक है, सावधानियाँ बरतते हुए ही आप सभी को ये मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि ये पूरा यहाँ पे टूटा हुआ है आधा, और कभी भी ये गिर सकता है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस स्थल को, इस धरोहर को बचाए रखिए और लोगों के लिए पर्यटक स्थल बनाइए, जिसे जो आसपास के लोग हैं उनको रोजगार प्रदान होगा, जिस कारण से वे और उनके परिवार वाले खुशी से रह पाएंगे। बहुत ही भव्य किला है ये, बहुत ही सुंदर है। इसको बोला जाता था कि ये 9 मंजिला इमारत है, बट यहाँ शायद टूटने के कारण ये गिर गिर के टूट भी चुका होगा, बट ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य है। ये हमारे झारखंड का धरोहर है, इसलिए हमें चाहिए कि इसे बचाया जाए। तो इधर अब हम लोग जीवन भाई के साथ इस किले का सीढ़ी देखने के लिए आए हैं, शायद चढ़ सके, लेकिन हम चढ़ेंगे नहीं, बस मजाक कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ से सीढ़ी है, यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए है। आप देखेंगे कि ये इस समय इतना भव्य है, तो आप समझ सकते हैं कि जब इसमें राजा महाराज रहा करते थे तो उसमें ये कितना और ज़्यादा भव्य दिखता था। यहाँ इस प्रकार से कुछ बनाए गए हैं, शायद कुछ कुछ रखा जाता था होगा, या फिर जो भी है तो वो तो नहीं पता। और ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा प्लेस है, शांत प्लेस है, क्योंकि अब यहाँ कोई आता नहीं है, जर्जर भी हो गया है, जिस कारण से यहाँ ऊपर चढ़ना तो थोड़ा सा दिक्कत ही है, क्योंकि दुर्घटना को फिर आमंत्रण देना हो जाएगा इस कारण से। अब चलिए बाहर चलते हैं। आप देखिए इन सभी पत्थरों से इस किले का निर्माण कराया गया था, और ये तो आपका मिट्टी है, देखेंगे तो मिट्टी है, इस प्रकार से है। और यहाँ पे सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए। यहाँ पे ये अद्भुत नज़ारा हम सभी को देखने को मिल रहा है। चलिए तो थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं क्या क्या है। ये इस प्रकार से नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन इन सभी का देखभाल ना होने के कारण ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आपको ये बहुत ही अच्छा जगह लग रहा होगा, बहुत ही सुंदर प्लेस है, और इस ओर पूरा चट्टाने भरे हुए हैं। और चलिए हम थोड़ा सा भीतर का भी नज़ारा ले लेते हैं, ये इस प्रकार से है। और चलिए मैं आप सभी को यहाँ का दीवाल दिखाता हूँ, ये कितना मोटा मोटा थे हुआ करते हैं। देखिए आप दीवाल का मोटाई देख सकते हैं, ये कितना मोटा है। तो ये इस प्रकार से यहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिख रहा है। और इधर एडिगोडो और जो लोग पूरा फोटोग्राफी का तैयारी कर रहा है, और वहाँ एक आगे चट्टान में एक और एक घर बना हुआ है, और ये जो तालाब है इसी में पहले के लोग स्नान किया करते थे। ये अभी पूरी तरह से सूखा हुआ है, हल्का हल्का गीला है, और यहाँ पे बकरियाँ बैल चर रहे हैं। ये इस प्रकार से पूरा दिखता है, बहुत ही सुंदर प्लेस है। दिखने में तो मंदिर लग रहा है, क्योंकि मंदिर की तरह बनाया गया है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इधर ऊपर चलते हैं। ये इस प्रकार से है यहाँ का बनावट, और इधर शायद मूर्ति रखा जाता था, और ये यहाँ पे पूजा करने के लिए घुसा करते थे, ये इसी प्रकार से लग रहा है।
ये तो बहुत ही भयानक लग रहा है। ये इस प्रकार से यहाँ का नजारा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद मूर्तियाँ, अपने देव देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थी। और ये इस प्रकार से यहाँ का भीतर का नजारा है। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ का दीवार की मोटाई भी दिखाते हैं। आप देखिए ये दीवार की मोटाई इतना है यहाँ से यहाँ, बाप रे। इसीलिए अब पता चल रहा है कि ये क्यों अभी तक टिका हुआ है, अभी तक क्यों नहीं धसा हुआ है। और देखिए ये और एक इधर मैदान की ओर जाने का रास्ता, और ये इस प्रकार की यहाँ की बनावट है। और ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। तो मैं झारखंड सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप कृपया करके इस धरोहर को बचाएं, और ये जो सुंदर प्लेस है इसको पर्यटन का क्षेत्र बनाएं, जिससे जो आसपास के जो भी लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके, और बाकी लोग भी अपने जो बीती गए जो बातें हैं इतिहास उनको जान सके। भाई पूरा फोटोग्राफी करते करते पूरा थक जा रहा है, लेकिन भी नहीं छोड़ रहा है। और ये इस प्रकार से इधर, इस प्रकार से इधर। रोहित कैसा लगा जी घूम के? थक गया जी। हाँ थक गया। देखो वीडियो बना। और इधर मास्टर साहब पूरा वीडियो बनवाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। और आप देखिए ये बड़े बड़े जो चट्टान है ये पूरे काटे हुए हैं, इसी सब से बहुत सारा चीज यहाँ का बनाया गया है। लगभग सब चीज इसी से बनाया गया है, ईंटा का भी उपयोग किया गया है। और ये देखिए इस प्रकार से है, बहुत ही मस्त लग रहा है। देखिए ना, देखने में छोटा सा है लेकिन शायद क्या पता क्या चीज़ है। चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा भीतर भी। वाओ, ये तो इस प्रकार से है यहाँ का। अब कलाकृति देखिए, ये बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। और ये यहाँ का राजमहल लग रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य तरीके से ये बनाया गया है। सही में आप देख लीजिए। और ये इस प्रकार से है, ये तो धंस के बंद हो चुका है। यहाँ पे ऐसे है, आप ये देख सकते हो, पत्थर से में भी पूरा डिजाइने कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। कोना घूम चुके हैं, फिर अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब यहाँ से निकला जाए, क्योंकि टाइम भी धीरे धीरे हो जा रहा है। अब सूरज भी देखेंगे तो अब धीरे धीरे कुछ ही देर में शाम भी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से निकले। और यहाँ का आप कलाकृति भी देख लीजिए, लास्ट ही है, अब तो पत्थर से में कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। ये बहुत ही सुंदर प्लेस है। अगर आप यहाँ नहीं आए तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए। ये रांची से 70 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। ये गुमला जिला सिसई प्रखंड में पड़ता है। आप यहाँ आइए और अपना मनोरंजन कीजिए, अच्छा से देखिए, फिर अपना रिटर्न होइए। तो दोस्तों मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।